चंदौरी साहब से दरख्वास्त करिए। सबसे पहले तो मैं प्रवीण शर्मा को और हेलो हिंदुस्तान को मुबारकबाद पेश करूंगा। इंदौर में बहुत मुशायरे इन दिनों होने लगे हैं कुछ बरस से, और एक अच्छा खासा माहौल बना हुआ है। तो इसी उसी सिलसिले में, उसी कड़ी में आज इन्होंने कामयाब तरीन मुशायरा आपने किया है, और आपने ये पाकिस्तान के मेरे साथी, मेरे दोस्त और हिंदुस्तान के ज़िम्मेदार शायर, इनके सामने इंदौर वालों ने भी साबित कर दिया कि आप शायरी सुनना जानते हैं। मैं आपको भी सबको सलाम करता हूँ। बहुत अच्छा इंतज़ाम हर चीज़ का प्रवीण शर्मा ने किया है, सारी व्यवस्थाएँ, सारे इंतज़ाम, के जब तक जीतू है जब तक पटवारी नहीं जाएगा, जीतू पर पटवारी है जब तक जीतू जरा जी जान नहीं जा सकते। तो भाई ये जाएँ तो वो जाएँ, ये दोनों बैठे हैं, ये अच्छा लग रहा है हमें। शुक्रिया, पर अच्छा लग रहा है साहब, ऐसे ही रहे पूरा शहर मेरा। सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा, ये भी जो इस तरह बनना टीम बैठी हुई है, खास तौर पर आप सब बच्चे शिरकत करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसे ज़्यादातर मेरे साथियों ने ये कहा है, शायर दोस्तों ने, कि नौजवानों के लिए पढ़ रहा हूँ। मैं नहीं कहूँगा ये जुमला, इसलिए कि यहाँ मेरे शहर के जो बुज़ुर्ग हैं वो भी नौजवानों से कम नहीं हैं, माशाल्लाह, है ना। तो सभी शिरकत कर ले, तो सभी के लिए है ये जो भी सुनाऊँ। सफ़र में आखिरी पत्थर के बाद आएगा, सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा, मजा तो यार दिसंबर के बाद आएगा। आखिरी पत्थर के बाद आएगा सफर में लबों के फूल, अब कुछ कहना ही नहीं, सभी शिरकत करें। लबों के फूल लबों पर खिला के मानेगी, इस लाइन का ही जवाब नहीं है यार, इस लाइन को भी सुन लो। लबों के फूल लबों पर खिला के मानेगी, मैं गीत हूं वो मुझे गुनगुना के मानेगी। वाह वाह वाह, राज भाई क्या बात है, वाह 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 वाह। ये है उसकी आंखों में पर तोलता हुआ सा नशा, वो आज मेरे परखचे उड़ा के मानेगी। सुने के जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, पूरी शिरकत चाहिए मुझे, जो तौर है दुनिया का, हिंदुस्तान मेरे सामने बैठा हुआ है, वाह वाह वाह, मेहमान बैठे थे। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है, जरा तौर से बोलो, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, मेरे सच में आपकी आवाज चाहता हूं, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, दिल्ली में हम ही बोला करें अमन की बोली, यारों कभी तुम लोग भी लाहौर से बोलो, दिल्ली में हम ही का जवाब नहीं, हम ही दिल्ली में हम ही बोलो। अब आज सुने मेरे भाई, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर देखे क्यों हालात पैदा हो जाते हैं, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, सरहदों पर मैंने सरहद कुछ गलत नहीं बताई है, सही बताई है, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या, खौफ बिखरा है दोनों समतों में, दिल्ली हो या इस्लामाबाद, कराची हो या बंबई, मैं अर्ज कर रहा हूं, मजा लीजिएगा शेर का, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। अरे यार उधर वो दानिश और वो भी तो बैठे हैं, कमाल आप कर रहे हैं यार, अरे वाह कमाल भाई, वाह वाह वाह, राज भाई उन पर शक नहीं कर सकते, उन्होंने बचपन से देखा है आपको। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो
चुनाव है क्या? माशाल्लाह, खौफ दुनिया में मेरे बहुत पुराने अजीज दोस्त मेरे सामने बैठे, नजर करता हूं, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या और खौफ बिखरा है दोनों समतों में। खौफ बिखरा है दोनों समतों में, तीसरी समत का दबाव है क्या? खौफ बिखरा है दोनों समतों में, तीसरी समत का दबाव है क्या? तीसरी समत का दबाव है क्या? मैं कुछ नए शेर पढ़ना चाहता हूं। अच्छा, इसलिए कि इतनी खूबसूरत महफिल और इतने शरीफ रवैये और बर्ताव मैंने इंदौर वालों को देखे ही नहीं। सुने दोस्तों के इश्क में, वसीम भाई इश्क में, इधर तो कोई एतराज नहीं है आप लोगों को, इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूं। क्या बात, ये बिल्कुल नई गजल सुना। वाह वाह वाह, राजभाई वाह वाह। क्या है कि इश्क में जीत के आने के लिए, जीत के आने के लिए काफी हूं है, इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूं, मैं निहत्ता ही जमाने के लिए काफी। आज बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इंदौर में शेर पढ़ते हुए 45 साल से शेर सुना रहा हूं, लेकिन आज आपने मजा ला दिया आज महफिल में। हर हकीकत को मेरी ख्वाब बताने वाले, शेर सुनिएगा दोस्तों, मैं निहत्ता ही राजभाई बाबा, हर हकीकत को मेरी ख्वाब बताने वाले, मैं तेरी नींद उड़ाने के लिए काफी हूं। हर हकीकत को मेरी